अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे पास में एक एचबैक कंट्रोल पैनल है, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, हाई टेम्प अलार्म एक्टिव है, ठीक है, लेकिन इसके सिस्टम में नॉर्मल टेम्परेचर है, 23 टेम्परेचर है शेल्टर का, लेकिन पैनल में हाई टेम्प अलार्म एक्टिव है। तो हम इसको चेक करेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये साइलॉन का पैनल है मेरे पास में, और साइलॉन का पैनल मोस्टली जो है लाइबर्ट एसी में, लाइबर्ट एयरकॉन में डिज़ाइन होता है, ठीक है। जो इस फील्ड में जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों को मालूम होगा इस बारे में। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको इस पैनल के बारे में मालूम है वो लोग स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं मालूम है वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। हेल्प हो जाएगी थोड़ी, आप लोग वीडियो पूरी देखना, आपको हेल्प हो जाएगी। इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आती है नॉर्मली, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले अच्छे वीडियो के इस पैनल के बारे में जान लेते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये लेफ्ट कॉर्नर में सबसे पहले ये तीन केबल जो है, ये 220 एसी इनपुट है, ठीक है। उसके बाद में ये वाइट एंड ब्लैक सेंसर के केबल हैं, फिर ये दो केबल आ जाती हैं, ये 24 वोल्ट एसी, ओके। उसके बाद में ये दो केबल हैं, ये फायर पैनल्स आती हैं, ठीक है, ये फायर पैनल हुआ शेल्टर में, उससे ये दो केबल आती हैं। उसके बाद में ये हमारे तीन केबल एयर कॉन्स आते हैं, एसी नंबर 1, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एसी नंबर 1। उसके बाद में ये तीन केबल जो हैं एसी नंबर 2, ओके। अच्छा, ये लास्ट में जो हमारी केबलें हैं ये 5 केबल हैं, ठीक है, 1 ब्लैक और 4 जो हैं वाइट हैं। तो ये डिजिटल आउटपुट्स हैं, डिजिटल आउटपुट्स ये आपके BATP बॉक्स में जा रहे हैं फॉर अलार्म के लिए, ठीक है। तो ये ब्लैक जो है वो कॉमन है, उसके बाद में एसी नंबर 1, एसी नंबर 2 एंड हाई टेम, हाई ह्यूमिडिटी, ओके, ये डिजिटल आउटपुट्स हैं। अच्छा, उसके बाद में राइट कॉर्नर पे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये 220 110 से 24 वोल्ट वोल्टेज का है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओके। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, ये साइलॉन का मदरबोर्ड है कंट्रोल, इसके पास में ये डिस्प्ले PLC लगा हुआ है, ये 4 फ्यूज़ है इनपुट आउटपुट में, 2 इनपुट के 2 आउटपुट के, ठीक है। उसके नीचे ये रिले आ जाते हैं, हमारे पास में 7 रिले लगे हुए हैं, ठीक है, ये AC1 AC2, फिर ये आ जाती है AC1 फॉल्ट AC2 फॉल्ट हाई टेम्प फॉल्ट एंड हाई ह्यूमिडिटी फॉल्ट, ये फिर AC की, ठीक है, फायर, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसमें देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे। इसमें नॉर्मल टेम्परेचर 24। अच्छा, हाई टेम्प एक्टिव कब होता है, हाई टेम्प अलार्म एक्टिव होता है 30 के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है, उसके बाद में हाई टेम्प अलार्म एक्टिव होता है, ठीक है। तो अभी इसमें 24 है, 24 हाई टेम्प, 24 टेम्परेचर है रूम का, और ह्यूमिडिटी 27 है, ठीक है, 27 आ रहा है, लेकिन ये हाई टेम्प अलार्म अभी भी एक्टिव है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिव है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एंटर करेंगे, यहाँ पर ये पासवर्ड मांगता है, ठीक है, तो इसमें पासवर्ड जिसको मालूम है तो वो डाल सकते हैं, नहीं मालूम बता देता हूँ। ये 4 बटन है इसमें, ठीक है, 1 ये कैंसिल का, 1 ओके का, ठीक है, ये 4 अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ओके, राइट राइट एंड लेफ्ट, ओके। तो इसमें अप वाला जो बटन है उसको हम प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, ये ओपन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो व्यू हाई टेम्प, ओके, तो ये ऑन है। अच्छा, इसका क्या मतलब है व्यू हाई ह्यूमिडिटी, ये भी, ये अभी ऑफ है, मीन्स मतलब हमारा हाई टेम्प अभी एक्टिव है, ठीक है, इसलिए ये ऑन दिखा रहा है। यहाँ पर हाई टेम्प हमारा एक्टिव अलार्म है इसलिए ये ऑन दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी ये व्यू हाई ह्यूमिडिटी जो है ये एक्टिव नहीं है इसलिए ये ऑफ दिखा रहा है, ठीक है। सेम ये AC1 फॉल्ट है, ये AC2 फॉल्ट है, और ये टाइमर है कूलिंग सेट पॉइंट, ओके, इसको ऑन करते हैं, ये 7 डेज का है। तो अच्छा, इस शेल्टर में जो है 2 एयरकॉन लगे हुए हैं, ठीक है,
तो अभी 7 डेज़ का आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, 6 और 5 डेज़। 7 डेज़ मतलब 7 डेज़ ऑटो मोड पे एक एसी चलेगा 7 डेज़, उसके बाद में दूसरा एसी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा ये 7 डेज़ का टाइमर है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, ये टेम्परेचर सेट पॉइंट है। ठीक है, रूम टेम्परेचर सेट पॉइंट ये 22 सेट किया हुआ है, ये ठीक है, आप 20 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, अच्छा नीचे आ जाते हैं, फिर ये इम्यूनिटी सेट पॉइंट है। ठीक है, ये 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हाई टेम्परेचर, ये हाई इम्यूनिटी सेट पॉइंट है। ठीक है, 85 से ऊपर जब जाएगी हाई इम्यूनिटी, रूम की हाई इम्यूनिटी जो 85 से ऊपर जाएगी तब ये अलार्म एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये हाई इम्यूनिटी डिले, ठीक है, 120 मिनट। ठीक है, अच्छा ये हाई टेम्परेचर सेट पॉइंट, ये इसको हम ऑन करते हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर सेट पॉइंट है, ये किसी ने जो है इसको मतलब चेंज किया हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं 30। ठीक है, अभी मैं इसको जब 30 करता हूँ तो आप देखना कि हाई टेम्परेचर अलार्म जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इसको 30 किया हुआ है। ठीक है, ये हाई टेम्प अलार्म क्लियर हो गया। ठीक है, मैं एक बार और चेक करा देता हूँ, 38, मैं इसको 20 करता हूँ, फिर 21 किया मैंने, यहाँ से रैली की आवाज़ आएगी, अब ऑन हो गया। ठीक है, हाई टेम्प बना रहा, तो ये किसी ने चेंज किया हुआ था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। ठीक है, तो अभी मैं इसको दोबारा से 30 कर देता हूँ, 30, अभी इसका हाई टाइम क्लियर हो गया। अच्छा, और नीचे जाते हैं हम, तो हमको मिल जाता है ये मोड सेट पॉइंट। ठीक है, मोड नॉर्मल मोड और टेस्ट मोड, ये मोस्टली नॉर्मल मोड पर होता है, टेस्ट मोड मतलब आपको कोई काम है इसमें मेंटेनेंस है तब। ठीक है, और ओवरराइड फैन है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, अभी ये एसी नंबर 1 एसी नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, तो ये एसी ऑटो पर नहीं है, एसी दोनों ऑटो पर नहीं चल रहे हैं अभी, क्योंकि पता नहीं, हो सकता किसी ने बंद किए हुए। तो ऑटो पर हमारे ये एसी कब चलेंगे, ये आप यहाँ पर ये ब्रैकेट नज़र आ रहा है, इसमें हमको एक्स लाना है। ठीक है, ये अभी एक्स आ गया, ये इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, अभी ये ऑटो पर हो गए दोनों एसी। ठीक है, और आपको एसी नंबर 1, अभी ये एसी नंबर 1 पे है, वैसे दोबारा से दिखा देता हूँ, मैनुअल में आपको चलाना है, इस एक्स को निकाल देंगे यहाँ से, कैंसिल कर देंगे, ये इनेबल और डिसेबल का है। ठीक है, अभी ये एसी नंबर 1 पे, एसी नंबर 2 पे शिफ्ट है। ठीक है, हम इसको एसी नंबर 1 पे शिफ्ट कर दें, तो आपको मैं दिखाता हूँ, एसी ऑन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये ऑन आ गई, एसी ऑन हो गया यहाँ से, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये बंद हो गया यहाँ से। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं, ये ओवरहेड कंप्रेसर सेम यहाँ से, ये ऑन है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें हम एक्स इसको मतलब डिसेबल कर देंगे हम यहाँ से, तो आपका कंप्रेसर जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, 24 आवर चलता रहेगा, वो कट ऑफ नहीं होगा, कट ऑफ नहीं होगा तो एयरफोन में आइस आ जाएगी, और भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें एक्स होना ज़रूरी है, इनेबल कर देना चाहिए। ठीक है, ये इनेबल है, अभी ऑटो मोड पे है, आपका रूम टेम्परेचर जब 20 पे आ जाएगा कंप्रेसर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ओवरराइड एसी 1 फॉल्ट सेम, ये भी ये किसी ने पहले कैंसिल किया हुआ है, हम इसको एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, ये एक्टिव हो गया सेम, ओवरराइड हाई टाइम ये ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, ओवरराइड हाई इम्यूनिटी ये भी एक्टिव है। ठीक है, दैट्स इट, बट कितनी सेटिंग है, मतलब आप यहाँ से पूरी सेटिंग इसमें कर सकते हो, आपको कितने टेम्परेचर पे एसी कट ऑफ होना है, कितने टेम्परेचर पे आपको हाई टेम्प
अलार्म सेट करना है, कितने टेम्परेचर पर आपको हाई ह्यूमिडिटी अलार्म सेट करना है, आप यहाँ से पूरा सेट कर सकते हो, ठीक है। और आपको दोनों एसी, दोनों एयरकॉन जो है वो ऑटो में चलाने हैं, मैनुअल में चलाने हैं। अगर मैनुअल में चलाने हैं, आपको कौन सा एसी चलाना है, एयरकॉन 1, एयरकॉन 2, आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है।